कैसे हो? क्या हाल चाल है आपके? मेरा मेरा मन किया लाइव आने का, फिर मैं आ गई थोड़ी देर के लिए। मैंने आपके साथ बातें करनी थी थोड़ी सी। हेलो, कोई आ ही नहीं रहा। हेलो हेलो। ठीक है, तो मैंने ये बताना है कि मैं मुझसे शादी करोगी, शो कर रही हूँ आपको। मुझे दिखा के बहुत लोगों ने इतराज किया कि ये शो नहीं करना मुझे, बट तुम लोग इसको मेरे नजरिए से देखो एक बार, मेरे नजरिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेन के अकॉर्डिंगली सोचो। एंटरटेनमेंट करेंगे हम, ठीक है? इतना सीरियस मत लो इस चीज को। ट्रस्ट मी, आई लव यू। तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, पक्का नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ना सिडनास को करूंगी, ना शहनाजियंस को करूंगी, जितने भी मेरे फैन पेज है ना, जितने भी सारे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट की है, मैं किसी को नहीं नाराज करूंगी। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो। देखो, मैं तुम लोगों के लिए दोबारा बिग बॉस के घर में वापस जा रही हूँ, और 3 महीने के लिए वहां दोबारा बंद हो जाऊंगी मैं। और पहले 5 महीने रही हूँ, अब 3 महीने के लिए फिर से वापस जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। जो लोगों ने मुझे प्यार किया है, वो जर्नी देखी है, और वैसी जर्नी मैं दोबारा कंटिन्यू करने वाली हूँ। लाइक एक रियलिटी शो, मतलब ये नहीं कि आपने जैसे मैंने देखा मैसेजेस आ रहे हैं कि ये तेरे लायक नहीं है शो, जा कैसे भी, है ना? तो कोई भी चीज है उसको पॉजिटिव तरीके से देखो, और हम इस शो को एंटरटेनिंग बनाना है, और तुम लोगों के मुंह पे स्माइल लेकर आनी है। वो जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी, बट ये कि अब सबने अपना अपना अलग काम करना है। सिद्धार्थ अलग है, शहनाज अलग है, सो सबने अपना अपना अलग काम करना है। सो हमेशा इकट्ठे तो रह नहीं सकते, है ना? सो ऐसे होता है। अब मेरी लाइफ अलग है, उनकी अलग है, बट हम फ्रेंड्स अच्छे हैं। बट ये है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मेरे से नाराज मत हो। मैं एक, अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हो तो शहनाज को शहनाज के तरीके से ही प्यार करो, और उसको उसके उसको इंडिविजुअली देखो एक बार, और हम एंटरटेन करेंगे। और मैं जितना मेरी हेल्प करोगे, कोशिश करोगे, मैं उतना ही एंटरटेन कर सकती हूँ। और टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, बस समझो मेरी बात को। एंड आई लव यू ऑल। और मेरे को बहुत वो सुनने को भी आया कि कलर्स ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होना, टेंशन नहीं कोई। ओके, थोड़ा सा सोचो मेरे बारे में। मेरे को एक बार यहाँ पे सोचो कि शहनाज शादी, हाँ, मेरा एक्सप्रेशन देखो। हाँ, ठीक है। और फिर लव यू टू बेबी। अरे बाबा, समझ गए मैडम। हाँ, और मैंने एक, हाँ जी मैम, चलेंगे फ्लोर पे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट, ठीक है? ठीक है। तो मैं क्या बताने वाली थी, आपको टाइम है? सारा बुला दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे। सब क्या हो गया? सर्दी दुआ दो। और मैं क्या बोलना था यार, हाय हाय, मैं सारे भूल गई। हाय शनाज, बिग फैन ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। हाय, हेलो सना, प्लीज। हाँ सच, मैंने कल एक ना वीडियो देखी, कोई लड़की थी, उसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर शहनाज ने ये शो किया, तो मैं सुसाइड कर लूंगी। सुसाइड नहीं करना, ठीक है? सुसाइड करवाना है, खुद सुसाइड नहीं करना। मतलब क्यों मरना? मैं तुम तो, अगर मुझे प्यार करते हो आप लोग, आप ये सोचो कि मैं आगे
बढ़ूंगी और मैं कुछ गलत नहीं करूंगी. मेरे को कंपेयर मत करो और लोगों के साथ टेंशन मत लो. मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी. आई लव यू एंड ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पे बिलीव करो और मैं ऐसे काम मैं मतलब मैं दिल से करना चाहती हूँ काम. सो मैं चाहती हूँ तुम लोग खुश रहो जो मुझे बहुत प्यार करते हैं. सिड के साथ लड़ना मत ज्यादा. नहीं लड़ती अब नहीं लड़ूंगी. शबाज जा शबाज 5 मिनट डिस्टर्ब मत करो मेरा सर दुख रहा है. ठीक है जा शबाज पर जा. हाँ सच एक बात और. कोई चक्कर नहीं मुझे पंजाबी इंडस्ट्री ने सपोर्ट नहीं की. मुझे जितनी सपोर्ट मिली है मुझे पब्लिक ने की है. जितनी सपोर्ट मिली बस पंजाब के एक दो सिंगर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. जस्सी गिल थैंक यू सो मच. और शहबाज किसने किया? गिप्पी गरेवाल थैंक यू गिप्पी गरेवाल जी. आई रिस्पेक्ट यू जस्सी गिल. मैंने आपकी वीडियो देखी मुझे बहुत अच्छा लगा. आई रिस्पेक्ट यू. आप मेरी फैमिली हो बट इट्स ओके. जिन्होंने नहीं की पंजाब से सपोर्ट अब मैं पंजाब की नहीं हूं मैं इंडिया की हूं. इट्स ओके कोई चक्कर नहीं. देखो मैं अब मेरे को हिंदी में बात करनी पड़ती है ना. सिड ने कॉल किया. हाँ हाँ किया. टेंशन मतलब कल किया तो सारा दिन तो वो सोता रहता है. फिर मैंने बहुत कॉल्स किए थे उसको बट उसने मेरा फोन नहीं उठाया. फिर मैं रोई. हाँ फिर मैं वो फिर उसके बाद मैंने फोन कर लिया. उसने फिर मेरा मैसेज पढ़ा और मेरे को कॉल आ गई. टेंशन मत लो. फ्रॉम पंजाब मैम आई सपोर्ट यू. हाँ मैं बोल रही हूँ ना सपोर्ट किया बट बहुत कम लोगों ने. दिल से नहीं किया. लोगों ने किया इंडस्ट्री ने नहीं किया मुझे. इट्स ओके ना क्या फर्क पड़ता है. मुझे हर्ट हुआ लेकिन बहुत ज्यादा. कोई ना बॉलीवुड ने किया ना सपोर्ट. डोंट कॉल हिम. क्यों व्हाई डोंट आई कॉल हिम. आज बोल रही हो वो लग में अलग. नहीं नहीं ऐसे नहीं मतलब काम में. कब काम तो अलग अलग करेंगे ना. फिर ऐसे करो जहां फिर तुम रिक्वेस्ट करो कि हमें इकट्ठे शो मिल जाए. ऐसे हो सकता है? अगर ऐसे होगा तो फिर हम इकट्ठे आपको दिखने को मिलेंगे. अब बिग बॉस में दोबारा नहीं ना जा. अब बिग बॉस में दोबारा नहीं ना जा सकते. अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ घर में. वापस शहबाज को साथ में लेकर जा रही हूँ. मैं टेंशन नहीं लेनी. और अब कब्जा करके आऊंगी. अपने नाम लिखवा के आऊंगी. सारी रजिस्ट्री करा के आऊंगी बिग बॉस के घर की. अब वो मेरा घर है. ऑस्ट्रेलिया तो भी फुल सपोर्ट सी तुहानू सना जी. थैंक यू जी. मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया. आई लव यू ऑल. आई रिस्पेक्ट यू. और मेरी मुझे सपोर्ट करो मीन्स मैं चाहती हूँ कि आप हर्ट मत हो किसी भी चीज से. मैं जो करूंगी ट्रस्ट मी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी. पक्का प्रॉमिस. प्लीज मेरा मैसेज पढ़ो. सिड से शादी कर लो प्लीज. पक्का शादी कर लूंगी. आप उसको बोलो कर लूंगी मैं. प्रॉमिस बोलो उसको मेरे साथ शादी करे. तुसी रियल विनर हो. थैंक यू. टाइटल जीत लिया ना बिग बॉस का. बस आपने जितवा दिया मुझे टाइटल बिग बॉस का. डू यू मिस बिग बॉस? बहुत ज्यादा. बिग बॉस को मिस करती हूँ और सिद्धार्थ को मिस करती हूँ. बस दैट्स इट. मेरा नाम बोलो एक बार. इट्स माशिवू. सिड के साथ लाइव आना. उनको बोलो मुझे मत बोलो. मैं तो आई जाऊंगी. अपना हम सबका दिल जीता है आपने. ठीक है सिद्ध. और आप साथ रहोगे ना? साथ रहूंगी मैं. बट ये है कि साथ तो उसके मैं हूं ही. ऐसे तो साथ ही हूं उसके बट अब
घर में अलग अलग रहेंगे, मैं अपना काम करूंगी, वो आसिम से बात ही नहीं, मेरी किसी से बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ शिफाली बग्गा एंड सिद्धार्थ शुक्ला, ये दोनों मेरे कांटेक्ट में और ये दोनों दिल से है मेरे साथ। सॉरी पारस, पारस की आवाज आ गई। ओए इधर आ, मैं लाइव आई हूँ। शुभा वैनिटी खोल, वैनिटी खोल, वैनिटी का दरवाजा खोल। ओए गाली मत दे। ओ क्यों? ये देखो दुल्हा। कौन है? कमीने एक बात बता। कौन है? कौन? अबे लाइव आई हूँ। ओके मैं अपने इंस्टा पे, मेरे को एक बात बता। अलाउड है? अबे क्या बिग बॉस थोड़ी है ये, अब अलाउड है सब। अच्छा एक बात था, पारस सच्ची सच्ची बोलना। हाँ हाँ। तू शादी पे फ्लिप करेगा नहीं? तुझे कसम, तू बिग बॉस में फ्लिपे मार मार के इतनी फेमस होगी। हाँ। मैं सोच रहा हूँ नया शो मुझे मिला, मैं भी फ्लिपे मार के और फेमस हो जाऊंगा। दोनों इकट्ठे मारेंगे एंड में। तू इस बार फ्लिप ना मार, तू इस बार रद्द करा। रद्द करवाऊं? तू रद्द करा, मैं फ्लिप मारता हूँ। बट इनको बोलना सबको, नाराज मत हो इस शो से। ओ गाइस प्लीज नाराज वराज मत हो यार इस शो से, हम अपने अपने लिए पार्टनर ढूंढने निकले हैं, लोग हमको पैम्पर करने आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही है हमको पैम्पर करने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सप्रेशन में बताओ कि हम नहीं टेंशन, मतलब मजा आएगा। हाँ, एंटरटेन। चल तैयार हो? ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, देनी है। अब करो इम्प्रेस, करो पैम्पर, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, कराओ पैम्परिंग। हाँ पैम्परिंग करवाएंगे हम। और बताओ इस पारस के, डोंट वरी हो जाओ डोंट वरी। हट पगली, हट पगला। हाय सना दी, हाय, कैसे हो? आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर न्यू शो। हाँ प्लीज प्लीज आ जाओ, एक मिनट प्लीज, एक्साइटेड रहो। फोन आ रहे बीच में, एक्साइटेड रहो। माइकिंग हुई है क्या? मजे करो। नहीं मेरी माइकिंग नहीं। ओके देन मैं जा रही हूँ, ठीक है? मेरी परफॉर्मेंस है। आई लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू, बाय, टेक केयर।